चौपाल के बार नंबर 4 में एक 3 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। मदन पुत्र जसवा के 3 मंजिला घर से लपटे निकलती देख लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और दमकल कार्यालय को भी सूचित किया। देखते ही देखते कास्ट निर्मित मकान आग की चपेट में आ गया। अग्निशमन विभाग की गाड़ी तंग सड़कों की वजह से घटना स्थल तक नहीं पहुंच पाई। फिर इसे चौपाल नेरवा मार्ग पर खड़ा किया गया। गाड़ी में पर्याप्त पानी न होने व सड़क से घटना स्थल की ओर खड़ी चढ़ाई होने के कारण इसकी पाइपों में पानी चढ़ नहीं रहा था। SDM अनिल चौहान, DSP संतोष शर्मा व BDO निशांत शर्मा सहित प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने घरों से बाल्टियों में पानी भरकर आग बुझाई। अग्नि प्रभावित मकान के साथ लगते चेतन वर्मा, केशव हरिचंद व कमल कुमार के 4 मकान भी इस आग की चपेट में आ गए थे, लेकिन स्थानीय प्रशासन व लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद इन्हें जलने से बचा लिया। इन मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। जिस मकान में आग लगी थी उसमें अधिकांश लोग किराए पर रह रहे थे। मकान के अंदर रखे गए गैस सिलेंडर में विस्फोट भी हुआ, जिस कारण आग में भयंकर रूप धारण कर लिया। मकान मालिक मदन को आगजनी की सूचना दे दी गई। माना जा रहा है कि इसमें 20 से अधिक कमरे थे जो कि पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग सनी में 1 करोड़ से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। DSP संतोष शर्मा ने बताया कि नुकसान के बारे में अभी तक कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि मकान मालिक से संपर्क नहीं हो पाया है।